रहे हो। भी हमारे संबंधित ने बताया है अस्पताल कर्मचारियों ने कि एक्सीडेंट के कुछ मरीज आए हैं, उनकी गिनती अभी में से पता नहीं, मैं पता लगा रहा हूँ, लेकिन ये निर्देश दे दिए गए कि सभी मरीजों को तुरंत भर्ती करके समुचित उनका इलाज करें, विशेषज्ञों को बुला करके आगे की कार्रवाई करें। सर, इस तरह के कई एक्सीडेंट पहले भी यहाँ पे केसेस आए हैं और हमेशा एक संवेदनहीनता देखने को मिली है कि कभी मरीजों के लिए स्ट्रेचर नहीं उपलब्ध रहते हैं और कभी जो है कर्मचारियों की कुछ संवेदनहीनता रहती है, तो इसको लेकर क्या आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट अगर केसेस आते हैं? संसाधन स्ट्रेचर वगैरह तो हमारे चिकित्सालय में उपलब्ध हैं, लेकिन रही संवेदनहीनता की तो हम उन कर्मचारियों को चिन्हित करेंगे और उनसे उनको चेतावनी देंगे, अगर वो बात हमारी नहीं सुनते तो उनके प्रति प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी भी जो एक्सीडेंट हुआ है इस केस में, आखिरी में जो एक मरीज पेशेंट आई है महिला, उसको भी आधे घंटे करीब जो है एम्बुलेंस में रखा गया और स्ट्रेचर नहीं वहाँ पे उसको मिल पाया। वहीं जब दोबारा एक स्ट्रेचर सामने खड़ा था, उस पर खून लगा हुआ था, उसको साफ करने वाला कोई नहीं था, इस विषय में जो है अब क्या? नहीं, आपने हमें अवगत कराया, मैं अभी जाके देख रहा हूँ उसको, अगर कोई कमी है तो हम पूरी करेंगे उसको और सभी घायलों को पूरा इलाज देंगे। अपनी लापरवाहियों के चलते आए दिन चर्चा में बने रहने वाले जिला अस्पताल की लापरवाही एक बार फिर से उजागर होकर सामने आई है। आज कटरा बिल्लौर हाईवे पर हुए दिल दहला देने वाले हादसे के बाद जब गंभीर घायलों को जिला अस्पताल लाया गया तो अस्पताल प्रबंधन की पोल खुली। एक महिला मरीज जो कि एम्बुलेंस में 30 मिनट तक इलाज की राह ताकती रही, उसको एम्बुलेंस से इमरजेंसी तक ले जाने के लिए ना ही तो वहां पर कोई स्ट्रेचर नजर आया और ना ही उसको प्राथमिक उपचार देने के लिए कोई डॉक्टर उसके पास गया। वहीं इस संबंध में जब जिला अस्पताल के सीएमएस से बात की गई तो उन्होंने जिम्मेदारों को चिन्हित कर उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात जरूर कही है। वहीं अस्पताल में स्ट्रेचरों को जंजीर से बंधा पाया गया तो कुछ स्ट्रेचरों पे खून के धब्बे लगे पड़े रहे। हरदोई से ईटीवी के लिए आकाश शुक्ला।